दोस्तों अभी आने वाला है जून का महीना, जहाँ पे एप्पल कॉन्फ्रेंस होता है जिसका नाम है WWDC, और ईयर जो होता है वहाँ पे होता है 18, जैसे अभी 2018 है तो 80 रहेगा, तो अभी होगा WWDC 18, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस, जो कि एप्पल ऑर्गेनाइज करता है जून के महीने में हर साल। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि एप्पल लॉन्च कर सकता है iOS 12। दोस्तों क्या नया आने वाला है iOS 12 में और क्या होंगे इसके नए फीचर्स, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो आगे देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टेक्नो विक्चे की, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहली और अनोखी फीचर आ रही है जो है पहले के आईफोन में आपको देखने मिलती थी iPhone 5s तक में और iOS 10 तक में, जो कि स्लाइड टू अनलॉक वाला फीचर था। जब से iPhone 7 लॉन्च हुआ दोस्तों iOS 11 के साथ में, वो बटन नया वाला बटन आया जिसमें जो बटन दबता नहीं है, सिर्फ सेंसर रहता था उसमें, वहां पे आपको स्लाइड टू अनलॉक नहीं मिलता, सिर्फ आपको बटन दबाना पड़ता है, लॉक स्क्रीन या फिर फिंगरप्रिंट नहीं लेता, लॉक स्क्रीन आ जाता है। और जो iOS 10 में आपने यूज किया होगा उसमें दिखाता था स्लाइड टू अनलॉक वाला फीचर रहता था, वहां लिखा था स्लाइड टू अनलॉक, अगर आप स्लाइड करते हैं तो वहां पे आपको पासवर्ड अपना डालने का दिखा देता था या फिर अपना फिंगरप्रिंट रहता था, वो स्लाइड करने नहीं मिलता था। इसके बाद वाला जो फीचर है दोस्तों वह शाज़ाम को लेके, और शाज़ाम एक म्यूजिक ऐप है जहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए कलेक्शन मिल जाएंगे, और एक जो इंटीग्रेट करने वाला आईफोन अपने नए आईफोन से iOS 12 में जो है फीचर है वो है म्यूजिक रिकॉग्निशन का। अगर आपके आसपास सराउंडिंग से कोई भी नया म्यूजिक बज रहा हो या फिर आप कहीं गाना सुन रहा हो कोई भी, तो अगर आप शाज़ाम में ये ऐप खोलेंगे उसमें एक फीचर है म्यूजिक रिकॉग्निशन का, उसे आप चालू अगर कर देंगे तो वो म्यूजिक सुन के रिकॉग्नाइज करके आपको बता देगा कि कौन सा गाना है, और आपके उसको लिंक पे ले जाएगा और आप बहुत ही आसानी से उस गाने को सुन सकते हैं। दोस्तों पहले आपको शाज़ाम का ऐप डाउनलोड करना पड़ता था, लेकिन अब आईफोन अपने अंदर ही बिल्ट कर देगा iOS 12 में ये फीचर, आप अपने किसी ऐप के थ्रू जाके इसे सुन सकते हैं और देख सकते हैं और बचा सकते हैं कौन सा गाना है कहाँ बज रहा है। दूसरा फीचर है दोस्तों एप्पल एयरप्ले 2 का। दोस्तों पहला जो एयरप्ले आप देख रहे थे वो था बेटा वर्जन पे, और एप्पल एयरप्ले 1 जो था वो बहुत पूरा वर्जन नहीं था, वो टेस्टिंग पीरियड पे चल रहा था, टेस्टिंग हो रही थी उसकी, टेस्टिंग अब खत्म हो चुकी है, तो अब ये चाह रहे हैं कि एयरप्ले 2 निकालें और एयरप्ले 2 लॉन्च कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारे नए फीचर भी देखने को मिल सकते हैं, तो देखते हैं क्या क्या फीचर आते हैं, लेकिन बहुत ही इंप्रूवमेंट के साथ आएगा एयरप्ले 2। और बहुत सारे लैग्स थे इस एयरप्ले 1 में क्योंकि बेटा वर्जन में था, तो ये इंप्रूव करके आने वाला है और आपको इंप्रूवमेंट अच्छे से देखने मिल जाएंगे। दूसरी फीचर है दोस्तों वह पैरेंटल कंट्रोल्स को लेके, आप अगर जनरल में जाके रिस्ट्रिक्शन में जाके पैरेंटल कंट्रोल ऑन कर सकते हैं, अगर आप चाहते नहीं है कोई आपका मोबाइल ले और आपको वो पर्टिकुलर ऐप खोले तो आप उसे गायब कर सकते हैं। तो अब नए नए ऐप जो पर्टिकुलर ऐप से आप हर ऐप्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, अभी तो आपको जो आईफोन में इनबिल्ट ऐप्स मिलते थे आप उसी को सिर्फ रिमूव कर सकते थे, हाइड कर सकते थे, लेकिन अब ये सब भी ऐप्स आप बहुत ही आसानी से हाइड कर सकेंगे, जो कि आप थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हैं, थर्ड पार्टी प्ले ऐप्स से जो डाउनलोड करते हैं आप जितने भी ऐप्स, तो उसे भी आप हर एक ऐप आप रिमूव कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं और दूसरे से छुपा सकते हैं ताकि वो आपका देख ना पाए उस डाटा को। तो फेस टाइम को लेके, और फेस टाइम में अभी ग्रुप वीडियो कॉलिंग का फीचर आने वाला है, रिकॉर्ड तो नहीं आएगा जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट स्काइप में अभी पिछले महीने अभी ग्रुप वीडियो कॉलिंग वाला फीचर लॉन्च किया था, यहाँ पे आप 4 लोग के साथ ग्रुप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, तो फेस टाइम में अब सेम फीचर लाने वाला है, तो आईफोन में आप इधर 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 उधर 4 जन से आप डायरेक्ट बात कर सकेंगे, जिसके पास एप्पल फोन होगा या फिर मैकबुक होगा या मैक ओएस होगा उसमें आप बात कर सकेंगे ग्रुप में अपने फ्रेंड के साथ, मजे कर सकेंगे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। फिर यार दूसरा फीचर आ रहा है दोस्तों मल्टीपल यूजर अकाउंट्स का, इसके बाद इसमें आपको मिल जाएगा जैसे आप गूगल अपने एंड्रॉइड फोन में जीमेल के 2 से 3 अकाउंट खोल सकते थे और उसमें आप दूसरे दूसरे गेस्ट यूजर दूसरे यूजर वगैरह वगैरह डाल सकते थे, अगर आपको दूसरे यूजर को अपना डाटा नहीं दिखाना है तो जो इनबिल्ट डाटा होता है बूट लोडिंग ऐप्स होते हैं सारे, वो सबसे आपको नया यूजर का इंटरफेस बनाना है तो वो आप कर सकेंगे iOS 12 में शायद। तो आप अगर आप खुद के आईफोन देना किसी को नहीं चाहते हैं या आईफोन दूसरा यूज करना चाहते हैं मजबूरी में देना पड़ता है, तो आप इस फीचर का इस्तेमाल असर कर सकते हैं और बहुत ही हेल्पफुल होगा ये फीचर आपके लिए। दूसरा फीचर है दोस्तों नए नए इमोजीज आने वाले हैं, बहुत सारे नए नए टेढ़े मेढ़े हट के बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, जैसे हाइक में देख रहा था हाइक के इमोजी आने वाले हैं, शायद हाइक जैसे होंगे बहुत ही क्यूट से, तो देखते हैं कितने सारे इमोजीज आते हैं। इमोजी तो एप्पल लेके आते ही रहता है, लेकिन iOS 12 में कुछ खास आ सकता है, iOS 11 में आया था लेकिन बताया जा रहा है कि iOS 12 में कुछ क्वांटिटी में आने वाला है। फिर फीचर आ रहा है दोस्तों, दूसरा फीचर आ रहा है दोस्तों वो है मैक ओएस जो होता है आपका, अगर आप मैकबुक चला रहे हैं या आई मैक चला रहे हैं
तो बहुत सारे आईफोन के ऐप आपको उसके ऐप स्टोर में नहीं मिल जाएंगे। तो ये बहुत सारे ऐप वो इंटीग्रेट करने वाला है, उस पर सपोर्ट करने वाला है, जो कि मैक ओएस सपोर्ट करेगा। उसके दोस्तों अगर आप आईफोन में अपना ऐप चला रहे हो और दूसरा मैक ओएस में ऐप चलाना चाहते हैं तो आप अपना ऐप चला सकते हैं उसमें बहुत ही आसानी से, और आपको डाटा सिंक्रोनाइज करके मैकबुक में, अपने आई मैक में, सब में आपको डाटा यूज कर सकते हैं फोन आईफोन दोनों के साथ में। आखिरी फीचर है दोस्तों जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है कॉलर आईडी वाला, और आपको ट्रू कॉलर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसी में आपको एग्जैक्ट लोकेशन पर्सन का डिटेक्ट करके दिखा दिया कि कहां से लोकेशन आ रहा है, और जबकि अननोन नंबर से आपको कॉल आएगा तो अपने आप सर्च करके दिखा दिया जाएगा कि किस किस नाम का कॉल है, किसका कॉल आ रहा है, उसका नाम आईडी सब दिखा दिया जाएगा आपके स्क्रीन पे ही। तो दोस्तों आपको थर्ड पार्टी या डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कि ट्रू कॉलर जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आईफोन में ट्रू कॉलर सामने तो दिखाता नहीं है, ऊपर दिखा के एक बार बंद हो जाता है। तो आईफोन में अब ये इंटीग्रेट करें तो बहुत ही अच्छा होगा, जो बड़े बड़े वीआईपीज होते हैं सबके लिए अच्छा होगा, लेकिन उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कि अननोन कॉल्स वो ना उठाए, और अगर कोई अपना पहचान का फोन कर रहा है अननोन नंबर से तो उसके कॉल उठा ले बिल्कुल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आया होगा आज का वीडियो पसंद, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा आपको बता दूँ कि iOS 12 के कुछ फीचर्स बताने की। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको सवाल हो सुझाव तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा, और अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं रोजाना आपके लिए मजेदार वीडियो लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।